नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में भूषण मैके में। जैसे आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारे जो सारी वीडियोस है आपने देखी होंगी और नहीं देखी है तो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने हर वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे जो भी टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं और आगे भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पे आपने मतलब नए नए विजिट किया है तो चैनल पे जाके पहले रिव्यू करो, सारे चैनल की वीडियोज देखो, आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको जो भी क्वेरीज है आपको सॉल्व कर दी जाएगी। तो चलिए, जैसे कि हम हर वीडियो में बात करते आ रहे हैं, एक एक टॉपिक पे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था क्लॉक्स के ऊपर, क्लॉक्स क्या होता है, क्लॉक्स में कौन से कंसेप्ट से आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लॉक्स बहुत ही सिंपल है, जो हमारी घड़ी है वो सबको पढ़नी आती ही है, फिर भी अगर आप नए हो तो आपको भी बता देता हूँ, क्लॉक्स में सिर्फ जो तीन हैंड्स होते हैं, जो एक सेकंड का हैंड होता है, आवर का हैंड होता है और मिनट का हैंड होता है, सिर्फ तीनों में कुछ कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। इसका और इसका आंसर एंगल कितना क्रिएट होगा जब 3 बजेंगे 6 बजेंगे वॉट एवर कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, इसमें इतना एंगल है तो फिर उस वक्त कितने बजे रहेंगे, ये कितना सेकंड घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उसी घड़ी के अंदर ही आपको क्वेश्चंस पूछे, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लॉक्स के अंदर, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसके 5-10 मार्क्स जो भी आएंगे, 100 मार्क्स का भी एग्जाम है आपको, 2-3 मार्क्स पे तो आएगा ही आएगा ये क्लॉक, तो 2-3 मार्क्स भी गवाने हैं। तो चलिए, हमें नहीं गवाने तो वीडियो को शुरू करते और वीडियो को स्किप भी नहीं करेंगे ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। 15 मिनट्स पास्ट 5, यहाँ पे ये और एक कंसेप्ट ऐड हुआ है। कंसेप्ट यानी कि इसको पढ़ते कैसे है वो आपको यहाँ पे सीखना है। आपको देखने के बाद तो पता है कितने बजे है, बट अगर रीड करने के बाद नहीं पता है तो फिर आपका कुछ मतलब नहीं बनेगा क्लॉक्स को देखने का। क्लॉक को देखने का जो नजरिया है, हमें जो सेंटेंस से भी पढ़ते आना चाहिए, सेंटेंस को देख के आपको वो घड़ी में देखते आना चाहिए कि कितने बजे है। देखिए, एट वॉट एंगल The hands of a clock are inclined at 15 minutes past 5। अगर हमने यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक क्लॉक एड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 15 minutes past निकालना है हमें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 निकालेंगे, ठीक है, 5 निकाल लें सब। चलिए, सबसे पूरा घड़ी निकाल लेते हैं, पूरा क्लॉक ही ये कर लेते हैं, 11 ड्रॉ कर लेते हैं, 8 हो गए यहाँ पे और यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 15 मिनट्स पास्ट 5, पास्ट यानी कि 5 के ऊपर यहाँ पे हो गए है 15 मिनट, ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे है हमारा सेंटर पॉइंट, यहाँ पे हवर हैंड घूम रहा है यहाँ तक और मिनट हैंड है यहाँ पे, ये मिनट हैंड है, ये हवर हैंड है और सेकंड हैंड कहीं पे भी रहो, हमें उससे कुछ नहीं, सेकंड्स में ज्यादा पूछा नहीं जाता है क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग बनेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर इतना टाइम नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई भी बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई भी जो एग्जाम दे रहा है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कोशिश किया है, जो जिन्होंने भी या मतलब क्वेश्चन पेपर बनाया रहता है तो वो भी सोचते हैं कि हवर और मिनट पे रहेंगे तो फिर वो कम टाइम में सॉल्व पाएंगे, वो भी अगर आपको ट्रिक्स पता है, आपको अगर रीड करना आता है अच्छे से तो, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप ये भी वीडियो अच्छे से देखते हो ना तो भी आप बहुत अच्छे से सीख जाने वाले हो, तो सिर्फ देखिएगा आप अच्छे से सीख जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, हवर एंड है 5 के और 6 के बीच में, बीच में क्यों है, क्योंकि 5:15 बजे है इस वक्त, 5 into 5 मिनट हवर मतलब 5:15 हुए है यहाँ पे, तो 5 और 6 के बीच में हवर हैंड है और मिनट हैंड बराबर 3 पे क्यों है, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो में भी जो कि हमने देखा था, हम सिर्फ क्या करते हैं, इसका एंगल निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस यानी कि हमारा दोनों का बीच का एंगल है, इसमें हम इसको भी ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, हमने जैसे कि बताया था यहाँ पे 5 का डिफरेंस होता है, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए ये होता है, अगर हवर हैंड का है तो यहाँ पे 5 डिग्री है, यहाँ पे है 10 डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री, मतलब कि 5 का ये होता है 20
और एक है 25 का और यहाँ पे फिर 30, ठीक है। मतलब कि पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है, उसको हम यहाँ पे 6 में डिवाइड कर, 6 में डिवाइड होगा यहाँ पे 5 5 5 करके 30 का होगा। क्यों? 360 बाय 12 आ गया 30, और 30 बाय ये 30 बाय कितना ये डिफरेंस है, तो फिर इसको हमने 5 डिग्री में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिनट का जो है, मिनट हैंड और आवर हैंड, मिनट हैंड है 3 पे, ठीक है, मिनट हैंड 3 पे है, यानी कि मुझे इतना ही बताइए, यहां से अगर हमने 30 30 30 कैलकुलेट करते आ रहे हैं, ये पूरा 30 का है राइट, तो फिर ये 360 का बनता है। तो 30 30 30 30 इंटू 3 कितने होते हैं, मतलब कि यहाँ पे 30 डिग्री अगर है इंटू, अगर ये 3 पे है तो हो गए यहाँ पे 90 डिग्री, बराबर। तो 30 30 30 30 30 150, ठीक है, 150 के बाद ये कितना है 15 मिनट, ठीक है। मैं आप पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, अगर ये 5 मतलब 12 से 1 तक जाता है, तो 12 से 1 तक जाता है तो आवर हैंड 2.5 डिग्री घूमता है, ठीक है। 12 से 2 तक गया मतलब कि 5 मिनट में 2.5 डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, तो फिर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 12 से 3 का मतलब 15 मिनट, तो 7.5 डिग्री, ठीक है, 7.5 डिग्री या ये ऊपर घुमा है। देखिए सिंपल है, एक मिनट, एक 12 से 1 मतलब एक कंप्लीट किया उसने, मतलब 5 मिनट का जो एक डिफरेंस है वो अगर उसने कंप्लीट किया, तो हमें सिर्फ 2.5 डिग्री ऐड करने हैं हमारे एंगल में, 2.5 डिग्री, उसके बाद फिर इंटू 3 मतलब कि ये 3 तक गया, तो फिर 7.5 डिग्री किया है, 7.5 और 12 से 5 के कितने हुए थे हमारे 30 के हिसाब से, देखिए 30 डिग्री इंटू ये 5 वैसे के वैसे 150, ठीक है, और ऊपर के हमारे ये 7.5, ये आ गया हमारा 157 डिग्री, 157.5 डिग्री, ठीक है, 157.5, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 157 वन हाफ डिग्री। तो 157 में से अगर 90 माइनस करेंगे 157 वन बाय टू डिग्री माइनस 90 डिग्री अगर करेंगे तो हमारा आंसर आता है 67 वन बाय टू मतलब 67.5 डिग्री, ये हमारा आंसर आता है। देखिए मिनट हैंड का हमने एंगल निकाला सीधी तरीके से, 30 डिग्री इंटू 3 जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करें 30 डिग्री को, दैट्स इट, 30 डिग्री को नंबर से मल्टीप्लाई करें जिस नंबर पे जो हैंड अवेलेबल है, 30 डिग्री इंटू 5 भी किया हमने 150 निकाला, और उसके ऊपर जितना गया है हमने बताया था जो वही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 मिनट का अंतर 2.5 डिग्री है, दैट्स इट, कहीं पे भी रहो एंगल 5 मिनट का अंतर 2.5 डिग्री है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आया 157.5 डिग्री। 157.5 को अगर 90 में माइनस करते हो, हमें वही करना है हवर और मिनट जो भी आगे है उसको हम माइनस करने वाले हैं, ये मिनट अगर इधर अवेलेबल रहता तो फिर मिनट हवर मिनट हैंड में से हवर हैंड को माइनस करते, दैट्स इट, हम वही एंगल निकालने वाले हैं। तो फिर 157.5 माइनस 90 ये हमारा आंसर आता है 67.5 डिग्री, जो कि हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो सिर्फ हमें बस यही मैच करना है ज्यादा से ज्यादा। हम इसको निकालते थे 5 सेकंड में, इसको निकालने में मान लीजिए 10 सेकंड लग गए, ये 15 सेकंड लग गए, दोनों का डिफरेंस निकालने में हमें और 5 ये 10 सेकंड, मतलब आधे मिनट में हमारा आंसर आता है। और क्या आपको लगेगा इसके लिए हमें ये निकालने की जरूरत है, नहीं, हम डायरेक्टली 30 डिग्री इंटू जो नंबर पे अवेलेबल 5 मिनट्स 15 मिनट्स पास्ट 5 15 मिनट मतलब कि 3 नंबर 3 पे रहने वाले, तो मिनट है इंटू 3 हो गए, खबर है 5 बजने वाले 5 बजे, तो फिर 50 हो गया 150 हो गया, तो फिर ऊपर का कैलकुलेशन में आप 10 सेकंड और एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, 20 सेकंड में आने का जगह 30 सेकंड में आएगा, बट आपका आंसर तो आधे मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं है,
फिर भी आपको इसमें कुछ क्वेरीज लग रही है और इसी तरह इसी भी जो एग्जांपल है ऐसे ही कुछ और डिफिकल्ट लेवल के क्लॉक्स के एग्जांपल हमने हमारे ट्रिकी मेथड के पेड कोर्स में अवेलेबल कर दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इलाबोरेट करके वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में सीख सकते हो। तो अगर आपको लगता है उसकी ज़रूरत है, आपको अगर वो भी सीखना है, जस्ट गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो फिल कीजिएगा और इनरोल कीजिएगा आपका नाम उसके लिए पेड कोर्स के लिए, ताकि आपको वो जल्द से जल्द अवेलेबल करके दिया जाएगा। तब तक के लिए आशा करता हूँ आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो टाइम मत गवाइएगा दोस्तों। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो टाइम है वो मनी है, तो उसको मनी जैसा ही इस्तेमाल करिएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करता रहिएगा। धन्यवाद।